is. चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहां से चालू करते हैं मैट्रिक्स का जो पार्ट छूटा था। हम लोग पार्ट आए थे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बीओ का गुणा। क्या चालू करना था बच्चों? ऑफ बीओ का गुणा। चलिए, ऑफ बीओ का गुणा अगर बात करें आप भी होगा गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप भी होगा गुणा। आप भी होगा गुणा कैसे करते हैं हम लोग? मान लेते हैं दो आप भी हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे, ध्यान दीजिए बच्चों, एन क्रॉस एम, ये दूसरा मैट्रिक्स है। हम कह रहे हैं दो अवयव का मल्टीप्लाई तभी संभव है, दो अवयव का गुणा तभी संभव है। ध्यान दीजिए, ए बी अगर निकालते हैं, ए बी कहते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन गुणे बी आई जे एम क्रॉस एम, क्या समझिए? ए बी सभी संभव है जब पहले अवयव का अष्टम, पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव की पंक्ति अगर सेम है, पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव की पंक्ति अगर सेम है तभी हम ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ए बी ए एन और एन दोनों सेम है तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए आई जे गुणे बी आई जे, वहां लिख देंगे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम। देख लीजिए बच्चों, अभी पूरा डिटेल में समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। पहले आवयव का स्तंभों, पहले आवयव का स्तंभ दूसरे आवयव की पंक्ति, पहले आवयव का स्तंभ दूसरे आवयव की पंक्ति अगर समान है तो ए बी का प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। ए बी डिफाइन है बट ए बी इज नॉट डिफाइन, ए बी डिफाइन नहीं है। यदि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति अगर सेम नहीं है तो ए बी पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तो बात करें इसको पूरा डिटेल में चलें बच्चों। चलिए, कैसे करते हैं, क्या है ए बी कैसे पॉसिबल है, ध्यान लीजिएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल नंबर फैट, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर पहले पासवर्ड है कि नहीं ए देखें, 2 3 4 6 2 2 क्रॉस बी बराबर 5 3 2 1 1 0 3 क्रॉस। बात समझिए, पहले तो समझिए क्या ए बी पासवर्ड है कि नहीं, पहले जानिए कैसे पासवर्ड करते हैं। मान लेते हैं ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, अभी समझिए खाली 1 2 3 4 6 2, ये क्या है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। और जो बी वाला है बच्चों देखिए 5 3 2 1 1 0, ये किस क्रम का है, ठीक है। पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव की पंक्ति अगर सेम है तो ए बी पॉसिबल है, ए बी क्या है पॉसिबल है, नहीं तो ए बी पॉसिबल नहीं है।
पाले आवयव, पाले आवयव कस्ता में दूसरे आवयव की पंक्ति अगर सेम है तो ए भी पासबुल है, नहीं तो ए भी पासबुल नहीं है। और देखते हैं क्या, आप ध्यान दीजिए बच्चों, ए बराबर देखते हैं ए भी पासबुल की नहीं। मान लेते हैं ए भी निकालते हैं आप, पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव की पंक्ति सेम है, नहीं तो ए भी इज नॉट डिफाइंड, ए बी इज क्या नॉट डिफाइन, ए बी को डिफाइन नहीं कर सकते, ए बी को डिफाइन नहीं कर सकते। और ये भी जान लीजिए जो शेष बच रहा है वही हमारा मैट्रिक्स होगा टू क्रॉस टू का। पहले अवयव का अष्टम, पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव की पंक्ति अगर सेम है तो ए बी पासबुल है, नहीं तो ए बी पासबुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो बताते हैं। चलिए आगे चला जा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बराबर लिखा मजी बच्चे 2141, 2141 देन फाइंड आउट वैल्यू, पूछ लिया क्या बच्चों, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालिए, क्या निकालिए ए स्क्वायर ए क्यूब, पहले बात समझिए हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ए गुड़े ये लिख सकते हैं, ए गुड़े ए का मान कितना बच्चों 2 4 1 2 2 4 1 2 2 1 4 1 2 4। पहले अवयव का अष्टम दूसरे अवयव का पंक्ति सेम है तो ये भी क्या है पासबुल है। ध्यान दीजिए पहले स्तंभ का इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए बच्चों ए स्क्वायर इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में 2 2 4 1 4 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ऐसे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम भी करेंगे, पहले बात समझिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 1 2 1 1, यहां तो कोई दिक्कत, देख लीजिए बच्चों पहला वाला कंप्लीट। अब सेकंड रो, इस सेकंड रो का इस फर्स्ट में इस सेकंड में करेंगे और 2 जा कितना 8 1 4 जा 4, चलिए 4 1 जा 4 1 1 जा 1, ये जो मिला एक किस क्रम का है 2 क्रॉस 2, तो ए स्क्वायर कितना आया बच्चों 8 3 12 5,
निकला टुकड़ा टुकड़ा। देख लीजिए बच्चों, ये हमारा आया ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए, सब फिर बात करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बात। चलिए अब हमें ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ए क्यूब। ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणे ए। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर गुणे ए। ए स्क्वायर का यदि वैल्यू रखते हैं 8, 12, 3, 5 मल्टीप्लाई 2, 4, 1, 2, 4, 1, 1। ध्यान दीजिए, ए क्यूब को क्या लिख दिया? ए स्क्वायर गुणे ए। और ए स्क्वायर हम लोग बच्चों निकाल चुके थे और ए का मान दिया था। फर्स्ट इन फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ए क्यूब इक्वल टू, फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में करेंगे ए टू या कितना 16, 3, 4 या कितना 12। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 8, 1 जा 8, 3 जा 3, यहां तो कोई दिक्कत। इसका 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 और ये कितना आ गया 12 प्लस 5। ए क्यूब बच्चों कितना आ गया? जोड़ेंगे तो कितना आ गया 28। यहां पर 11, यहां पर जोड़ेंगे तो 44 और यहां पर जोड़ेंगे तो कितना 70। ये आ गया 2 क्रॉस 2। ये हमारा निकला क्या? ए क्यूब। देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत तो बताइएगा। यहां पर चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एज कंट्रोल एरिया 210, 102, 221, 221. Then find out value. Then find out value. Kara e square a cube. पहले तो बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मान रखेंगे 210, 102, 221। यहां पर ए का मान रख दिया 210, 102, 221। यहां तो दिक्कत वही पहले पंक्ति का फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का इस सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का इस थर्ड कॉलम में। तो ए स्क्वायर टू, अच्छा समझिए, फर्स्ट रो का 2, 2 जा 4, 1, 1 जा 1 और इसका 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2। यहां तो कोई दिक्कत। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0, 1, 2 जा 2 और क्या हो गया? ध्यान देना,
अब फर्स्ट रो का हो गया, सेकंड वाला आइए, इस सेकंड रो का इस बार रिवाइज करिए, 1 2 0 2 0 प्लस 4, 1 1 1 प्लस 0 और प्लस 4। आगे चलें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 0 0 प्लस कितना 2 का हो गया। लास्ट वाले का बात करें, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 2 1 जा 2, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसका इसमें करेंगे तो फिर ना आगे 2 2 का 0 में 0 2 2 जा 4 प्लस 3 3। इस बार निकाला तो कितना आया बच्चों, ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 2, यहां पर आ गया 6, यहां पर 5, यहां पर 2, यहां पर 8, यहां पर 4, यहां पर 5, ये 3 क्रॉस 3 का ये हमारा। देख लीजिए एक बार, ये क्यों निकालना बच्चों, इसको नोट करिए तो फिर बात करें। अब ये क्यूब हमें निकालना है, क्या निकालना बच्चा, ए क्यूब। ए क्यूब को क्या लिख सकते हम लोग, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान इसमें जो आया था रख देंगे, समझिएगा, और ए का मान इसमें रख देंगे जो आया था 2 1 0 1 0 2 2 2 1, इसमें रख के मल्टीप्लाई को जो मान आया था इसमें वैल्यू रख देंगे और सेम वैसे प्रोसेस कर लेंगे, ए क्यूब निकल जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा बात। फिर आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा ए बी 2 1 3 1 2 0, ये 2 क्रॉस 3, बीच का 2 5 1 0 2 1 1, 3 क्रॉस 2 का। Then find out AB. क्या लिखाना बच्चा, AB। चलिए बात करें AB। टू वन थ्री एक 2 क्रॉस 3 का B वाला मान रखेंगे बच्चों 5 1 0 2 1 1, ये रखेंगे 3 क्रॉस 2। पहले अव्यव में अष्टमी की संख्या, दूसरे अव्यव में पंक्ति संख्या क्या है, सेम है। पहले अव्यव में अष्टमी की संख्या, दूसरे अव्यव में पंक्ति की संख्या क्या है, सेम है, तो ए भी क्या है, पॉसिबल है। चलिए जब ए भी पॉसिबल है तो ए भी निकाला जाए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट रो है बच्चों, और जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो किससे मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि 2 2 बच रहा है ना, तो 2 क्रॉस 2 का। इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में करते हैं, 5 2 जा 10, इसका 1 में 0 3 1 जा 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 1 जा 2 प्लस 2 और प्लस क्या 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5
टू का इसमें करेंगे जीरो, इसमें करेंगे तो क्या हो गया जीरो, वन का इसमें करेंगे तो वन, टू टू जा फोर और प्लस जीरो, जो मैट्रिक मिला है टू क्रॉस टू करते, ये भी क्या आया बच्चों, यहाँ कितना हो गया थर्टीन, यहाँ सेवन, यहाँ फाइव, आया ये मिला हमारा टू क्रॉस टू क्रॉस, यही क्या आ गया आंसर, देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए फिर आगे चले हम लोग, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा टू वन 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 जीरो टू बीच कर टू टू वन सिक्स थ्री टू वन, ये टू क्रॉस थ्री का है, ये भी टू क्रॉस थ्री का, देन फाइंड आउट ए बी, क्या निकालना बच्चा ए बी, चलिए ए बी अगर बात करें टू वन 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 जीरो टू, ये आ गया टू क्रॉस थ्री का, और यहाँ पर बात करेंगे टू वन सिक्स थ्री टू वन, पहले अवयव का ध्यान दीजिए बच्चों, पहले अवयव का अष्टम की संख्या, पहले अवयव का अष्टम की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति संख्या सेम नहीं, देखिए ये टू क्रॉस थ्री का है, ये भी टू क्रॉस थ्री का है, ये थ्री है और ये क्या टू है, तो पहले अवयव का बस समझिए, पहले अवयव का अष्टमिक संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति संख्या सेम नहीं है, यहां लिख देंगे ए बी इज नॉट डिफाइंड, 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 ए बी पॉसिबल नहीं है, ए बी पॉसिबल नहीं है कि ए बी का प्रोडक्ट कर दे, यहां पर यदि बात करें तो ए बी का गुणा संभव नहीं है, यहां पर लिख देंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी का गुणा संभव नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत है, देख लीजिए बच्चों, ए बी इज नॉट पॉसिबल, चलिए यहां तक तो आया होगा समझ में, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन यहां कर लेते हैं, इफ है ए इक्वल टू वन 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 वन, ध्यान दीजिए ए दिया, कह रहा देन प्रूव डेट, देन प्रूव डेट ए के पावर एन, ए के पावर एन, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर ये लाना है, कह रहा इफ ए बराबर इतना देन प्रूव दैट ए के पावर एन इज इक्वल टू थ्री के पावर एन माइनस वन, थ्री के पावर एन माइनस वन, ये प्रूव करना है, चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे चार पांच क्वेश्चन है, चलिए ए बराबर दिया है वन वन वन
1111 ये दिया बच्चों। ए स्क्वायर निकालेंगे, कहेंगे एक गुणे ए, एक गुणे 111 यहाँ पर समझिए। इसका मल्टीप्लाई का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में वन, इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 111 मतलब आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक बात करें तो 333 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ए क्यू निकालेंगे, समझिए ए क्यू को लिखते हैं ए स्क्वायर गुणे ए, ए स्क्वायर मतलब 333 और यहां पर बात करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 111 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जुड़ेगा, यहाँ गए 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3। यहाँ एक चीज समझना बच्चों, जब यहाँ निकाल रहे थे तो 1 लिखते 3 के पावर 0, यहाँ a बराबर जो दिया है 1 आ रहा तो 3 के पावर 0 क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब a बराबर निकला तो 0 पावर, जब a स्क्वायर निकला तो 1 पावर आ रहा, कितना आ रहा बच्चों सबके पावर 1, जब a क्यूब निकाला तो क्या आया a स्क्वायर, a के पावर 4 निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3 के पावर 3 ऐसे आएगा, ध्यान दीजिए यहां तक कोई दिक्कत, देख लीजिए यहां तक। चलिए यहां देख रहे हैं एक पावर कम हो रहा है, यहां थोड़ा समझना है, जब बच्चों यहां हम निकाले ए स्क्वायर तो एक पावर कम हो रहा है, ए क्यूब निकालना है तो एक पावर कम हो रहा है, ए की पावर 4 निकालें तो इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार ए के पावर एन एक पावर कम तो 3 के पावर n माइनस 1 एक पावर कम ना, और ये क्या हो गया रूट, देख लीजिए बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां पर पढ़ चुके, अगला जो टॉपिक हम लोग को चालू करना है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स चालू करना है, क्या चालू करना है बच्चों ट्रांसपोज, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चालू करेंगे परिवर्त आव्यूह, क्या चालू करेंगे परिवर्त आव्यूह जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह, अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पूरा। चलिए आज की क्लास यहीं तक बच्चों।